आदिवासी समाज द्वारा राष्ट्रपति महोदय के नाम धार एसपी को दिया। धार जिले में एवं प्रदेश में हो रहे अत्याचार घटनाओं पर अंकुश लगाने को लेकर दिया ज्ञापन। आदिवासी समाज एवं जेएस के नेतृत्व में माननीय राष्ट्रपति महोदय एवं राज्यपाल महोदय के नाम से एसपी महोदय के प्रतिनिधि के रूप में डीएसपी महोदय मोनिका सिंह को दिया ज्ञापन। ज्ञापन में बताया गया कि धार जिले में विगत एक सप्ताह से बड़ी बड़ी घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है, जिसको लेकर जनता में एक भय का माहौल है। धार जिले के नालछा थाना अंतर्गत ग्राम सराय की पहाड़ियों में एक बालिका भगवती बघेल का शव मिला। वहीं दूसरी ओर धार में न्यू आरटीओ के पास रोड के समीप मृतक सुनील पिता गुलाब पेड़ पर लटका हुआ मिला। वहीं सादलपुर थाना अंतर्गत ग्राम एकलारा की महिला रतनबाई अपने ही खेत में कार्य करने के दौरान दोपहर पश्चात अंजाम कारियों ने उसके पेड़ काटकर कड़ी निकाल ली गई। धार में ही कुमार गड्ढा स्थित फड़के मार्ग की एक आदिवासी किशोरी स्कूल से आते समय एक वर्ग विशेष व्यक्ति द्वारा उसके साथ छेड़खानी करने का प्रयास किया गया। वहीं टांडा की पहाड़ी क्षेत्रों में दिन में ही पशुओं को चुराकर लुटेरे जवाबी फायरिंग पुलिस के सामने कर रहे हैं। कहीं न कहीं यह सभी पुलिस प्रशासन पर गंभीर सवाल खड़े करने जैसे विषय हैं। इन सभी प्रमुख बिंदुओं को लेकर आज राष्ट्रपति एवं राज्यपाल महोदय के नाम डीएसपी मोनिका सिंह को दिया ज्ञापन के माध्यम से बताया गया। पुलिस प्रशासन द्वारा दिनों दिन बढ़ रहे अपराध एवं घटनाओं को लेकर गंभीरता से अंकुश लगाने की आवश्यकता है, जिससे यह भयानक बड़ी बड़ी घटनाएं आगामी दिनों न घट सके। ज्ञापन के दौरान आदिवासी समाज संगठन जया भीम आर्मी के सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित थे। इस दौरान सामाजिक कार्यकर्ता विजय चोपड़ा, जैस जिला अध्यक्ष भारत सिंह गामर, नारी शक्ति जिला अध्यक्ष अंकिता अमलियार, गुलाब मंडलोई, प्रदेश उपाध्यक्ष भीम आर्मी विनोद चौहान, भीम आर्मी जिला अध्यक्ष राजेश चौहान, नारी शक्ति सुमित्रा मकवाना, राज परमार, गोकुल गिरवाल आदि समाज बंधु ने उपस्थित होकर बढ़ रही निरंतर घटनाओं पर अंकुश लगाने हेतु गुहार लगाई। टीम भारती न्यूज। चार घटनाओं घट गई। पहली घटना नालछा में, दूसरी घटना आरटीओ कार्यालय के पास में एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई, और चौथी घटना हमारे सादलपुर बदनावर थाने में है। पुलिस को इस चारों मामलों में कहीं ना कहीं परिजन द्वारा सूचना दी गई थी, लेकिन समय पे पुलिस वहां पर उपस्थित नहीं हुई। इसलिए हमारे पूरे सर्व समाज आदिवासी समाज की ओर से एक आवेदन माननीय एसपी महोदय को दिया है, और हमने एसपी महोदय को निवेदन करा है। कोई मैडम आए थे, उनको मैंने अल्टीमेटम जवाब दिया है मैडम कि अगर 7 दिन में ये चारों घटना पर अगर कार्रवाई नहीं होती है तो जयस के प्रतिनिधि मंडल के रूप में मैं जिला अध्यक्ष हूँ, 1 तारीख और माननीय राज्यपाल महोदय से हम मिलने जा रहे हैं, सारी वास्तविक घटना परिवार को लेके जाएंगे, सारी स्थिति उनको बताएंगे। यदि आप लोग की मांगे नहीं मानी जाती है, सुनवाई नहीं होती, तो आप लोग क्या करेंगे? मैडम, हम एक बहुत ही कड़े शब्द में बताना चाह रहा हूँ, बहुत ही उग्र आंदोलन करने वाले हैं। हमको विगत 2014 से ज्ञापन देते थे हो गए, कोई भी कार्रवाई पुलिस प्रशासन सही तरह से नहीं करी, लेकिन अब हमारे हिसाब से हम कार्रवाई कराना चाहते हैं, और जानते भी आदिवासी समाज जाग चुका है। नाम बता दीजिए। भारत सिंह गामड़, जिला अध्यक्ष जयस धार। सब्सक्राइब नाउ टू मोस्ट एक्साइटिंग चैनल एवर।